नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल डीके किचन गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रेक्टेंगल ग्रो बैग कैसे बनाए जाते हैं, वो भी फ्री में, बिना किसी लागत के। घर पर आप रेक्टेंगल ग्रो बैग कैसे बना सकते हैं? अगर आपके घर पर चावल, गेहूं या किसी फर्टिलाइजर की या नूडल वगैरह की जो भी कहीं से भी बोरी आपको प्राप्त हो, बोरी ला के आप घर पर ही आसानी से ग्रो बैग बना सकते हैं, जो सालों साल चल सकते हैं आसानी से, वो भी फ्री में, बिना किसी लागत के आप आसानी से ग्रो बैग बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे वीडियो बनाएँ जो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको एक लंबी बैग चाहिए होता, लंबी बोरी चाहिए होगी जिससे हम रेक्टेंगल ग्रो बैग बना सकें। उसके लिए आपको इस तरीके की एक बोरी चाहिए। अगर थोड़े बहुत उसमें सीधे हों तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम उसके लिए ड्रेनेज होल तो करते ही हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से ये उखाड़ लेना है, ये जो देख सकते हैं ये उखाड़ लेना है। अगर ना उखड़े तो उसको आप कैंची के सहारे से काट लेना है। तो मैं इसको काट रहा हूँ। तो इस तरीके आपको ये काट लेना है। बस अभी हमारी दोनों साइड से ये खुल गई है। अब खुलने के बाद में हमें एक साइड से इसको इस साइड से खोल लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ से काटना है, ये हमने काट ली है कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारी दोनों साइड से अब देख सकते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ पे हुक लग गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये खड़ा हो जाएगा, ड्रेनेज होल का काम करेगा ये। तो हमने ये बोरी इस तरीके से काट ली है और ये हमारी इस लंबी चौड़ी हो चुकी है। अब आप आगे देखना। तो दोस्त, हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, तो आपको समझ में आएगा कि ये रेक्टेंगल ग्रो बैग कैसे बन के तैयार होते हैं, वो भी फ्री में। अब आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों, इस रेक्टेंगल ग्रो बैग का हाइट है जो हम 12 इंच यानी कि 1 फुट रखने वाले हैं। तो 1 फुट रखने के लिए हमको सबसे पहले ये है, हमें क्या करना है रेक्टेंगल ग्रो बैग बनाने के लिए, यहाँ पे हमको इस तरीके का मोड़ना है कि इस साइड से और इस साइड से एक सी लंबाई आए, क्योंकि यहाँ से जो कट कर लगेगा उसको हम सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ पे 13 इंच की लंबाई रखेंगे और 13 इंच की इधर से रखेंगे, सेंटर में यहाँ निशान लगा के कट करेंगे। और 13 इंच इसलिए दोस्तों क्योंकि 1 इंच हम इसकी गोट कर बांधेंगे इसमें सिलाई से, तो क्योंकि गोट बांधने से हमारी बैग की मजबूती हो जाती है और पकड़ने में भी सुविधा हो जाती है। तो अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से नापना है। तो आप देख सकते हैं कि 13 इंच मैंने यहाँ पर ये नाप लिया है और 13 इंच अब यहाँ से ये 13 इंच यहाँ आ गया है। तो 13 इंच यहाँ पर ये निशान मैंने लगा लिया है, ये पानी रहा है। तो मुझे तो इस तरीके का आपको काट लेना है, जैसे कि मैंने ये काट लिया है। इस तरीके आपको चारों साइड से काट लेना है। तो मैंने ये 13 का आप काट के दिखा दिया है। अब इसी का सहारा लेके आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी का सहारा लेके आप इस तरीके से चारों खून काट सकते हैं, जिस तरीके मैंने ये जमा ली है। या आप इस तरीके से निशान लगा के आप आसानी से पकड़ के इस तरीके काट सकते हो। दोस्तों देखिए, हमारी कटिंग हो गई है, ये चारों तरफ हमने 13x13 की ये कटिंग कर ली है। इस तरीके का आपकी कुछ कटिंग आएगी, आप देख सकते हैं। तो आप ऐसी कटिंग चाहे, अगर 8 फुट की हाइट रखना चाहती है तो 1 इंच बढ़ा के 9 इंच काट लेना। आपको अगर गोट बांधना चाहती है तो, अगर वो बिना गोट का बनाना चाहती है तो आपको जितना हाइट रखनी है उतनी आपको इस तरीके से काट लेना। ध्यान रखना है इसका, इसलिए क्योंकि ये है दोस्तों ये और वहाँ का उठा के इसको सिलाई करने वाले हैं, और हम इसको सिलाई कैसे की जाती है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको।
बस हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और आप नए हैं तो मित्र से कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप किसी तरह की वीडियो किचन गार्डनिंग, बागवानी और टेरेस गार्डनिंग से संबंधित में आप तक वीडियो पहुँचा सकें। तो दोस्तों अब मैं इसकी सिलाई करने वाला हूँ। तो मैं सिलाई कैसे करता हूँ आप ध्यान से देखिए। जैसे कि ये कटिंग है, तो मैं इसको इस तरीके से ऐसा मोड़ लूँगा, इस तरीके से आपको मोड़ लेना है, और ऐसा यहाँ से ये सिलाई आपको देखिए हमारी सीधी हुई है, सीधा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तब इसको हम यहाँ पर ऐसा सिलाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी सिलाई हो चुकी है चारों ओर, इस तरीके से दिख रहा है। ये बन के तैयार हो गया है। अब इसमें बस गोट वोट लगानी बाकी है। ये यहाँ से गोट लगा देंगे, ताकि ये हमारा पकड़ने में ये खड़ा हो सके और मजबूती आ सके इसमें। तो फिर मैं और इसमें ये गोट बना के दोस्तों, इसमें आप लकड़ी भी लगा सकते हैं, ताकि आपका बैग खड़ा रहे और आप पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप, ये इस सिलाई हो गई है। अब इस सिलाई को आप अंदर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कम से कम 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई, 1.5 इंच दूर सिलाई करना है आपको। देख सकते हैं ये, ताकि कोई भी लाठी वगैरह यहाँ पर जा सके इसमें, आपको भी पकड़ने में सहूलियत होगी। तो मैं यहाँ पे आप सिलाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इतना हमने इसको मुड़ लिया। तो दोस्तों हमारी सिलाई कम्प्लीट हो गई है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ किस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्रो बैग, रेक्टेंगल ग्रो बैग बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। ये इसकी हाइट भी 1 फुट ऊंची है। इसमें आप कोई भी सब्जियां लगा सकते हैं, बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं चाहे तो, और लौकी, करेला, गिलकी, बैंगन, टमाटर, ये चाहे तो इसमें 2 या 3 पौधे आराम से लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये 2.5 फुट लंबा हो गया है। ये 2.5 फुट लंबा है और ये करीब 1.25 फुट चौड़ाई है इसकी, और 1 फुट ऊंचा है ये। तो हमारा बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बल्ली डाल देता हूँ, कोई लाठी वगैरह ऐसे यहाँ पे, तो ये पकड़ने में जो ये झुकता है दोस्तों, तो आसानी रहेगी पकड़ने में और मजबूत भी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये भी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लाठियाँ भी फंसा दी हैं अब चारों तरफ से। ये देख सकते हैं आप, ये लाठियाँ भी फंस गई हैं, अभी पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा ग्रो बैग कुछ इस तरीके का बन गया है। अब इसमें हम आसानी से माटी भर सकते हैं कुछ भी, और कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और लाइक कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमें कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ये आपको ये बैग कैसा लगा।